आ जाइए लाइन में सब लोग। हाय गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ सेकेंड डे का ब्यूटी एक्सपो। तो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सेकेंड डे ब्यूटी एक्सपो। तो मैं यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे आने में ही बहुत देर हो गई थी आज। तो यहाँ पर अंदर जो है कि मेकअप स्टार्ट हो गया था और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट डे उतना भीड़ नहीं था जैसा कि आज था, क्योंकि आज बहुत सारा लुक होने वाला था मेकअप का। तो अपने बारे में मैं बता दूं, नाम है जो हमारी चुड़ैल होती है या हमारे जितने भी ये लुक क्रिएट होते हैं ना, ये सर कई मूवी में काम कर चुके हैं। इस सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन की हो गई, इस वजह से नाम मैं भूल गई हूँ। और ये कई मूवी में ये काम कर चुके हैं, ये मेकअप करते हैं हॉरर वाला। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सर ने कुछ इस तरह से मेकअप किया हुआ है चुड़ैल का। तो ये सर हेयर के स्पेशलिस्ट हैं जो कि अभी हमें हाइलाइट्स वाले एक्सटेंशन लगा लगा कर ये दिखा रहे थे। हर तरह का इन्होंने एक्सटेंशन लगाया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि तुरंत लगा लगा के इस तरह से दिखा रहे थे। कलरफुल एक्सटेंशन किस तरह से दिखते हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ मैम, आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कंटिन्यू खड़ी होकर मैम ने मेकअप को डन किया है। इतना स्ट्रेंथ है मैम के अंदर। हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार। बट अब मुझे इनसे तो गिफ्ट चाहिए सर। भाई सर, आज का जो एप्पल सीरीज प्रो मैंने लैपटॉप में मिल गया है, बाहर मिल गया था पड़ा हुआ, वो यहाँ स्टेज तक आ गया है। तो जो स्टॉल थोड़ा म्यूजिक देने के लिए
देखिए जो बाकी के पार्टिसिपेंट से मैं कहूंगा उसको यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऐसा नहीं है ये मंच ऐसा है, क्योंकि ये दिन जो होता है ना वो बहुत अजीब है कि ये अंत है। आप स्टेज तक पहुंचे यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अच्छा टॉप 10 में 9 नंबर भी जो लास्ट में आए थे आपने 9 नंबर ना टॉप 10 में 9 नंबर भी आया था आइए और हाइड्रा फेशियल मशीन को यहाँ पर एक्सपो में ब्राइडल कंपटीशन भी था, जिन्होंने कंपटीशन में भाग लिया था तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जीत चुके हैं, जिनको प्राइज मिल रहा था हाइड्रा मशीन, मेकअप वैनिटी और एयरब्रश मशीन फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिला था। तो यहाँ पर अभी नायरा मैम की एंट्री हो चुकी है, जिनका नाम है रियल में शिवांगी जोशी, जो कि सीरियल में आती थी नायरा के नाम से। तो यहाँ पर उनकी एंट्री हो चुकी है और बहुत ज़ोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी ली जा रही है। धरती पे कदम रखा है आपने, पार्वती पते हरे महादेव, तो ये बनारसियों का अंदाज है आपका वेलकम करने के लिए। सभी लोग अपनी जगह बैठ जाते प्लीज। तो अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट और अवार्ड मिलने लगा था, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नायरा मैम इस तरह से अवार्ड दे रही थी। तो फ्रेंड्स अभी अवार्ड शो चल रहा था, तब तक मैं इधर मेकअप खरीदने के लिए आ गई थी, क्योंकि बहुत से ब्रांड आए हुए थे जो कि ऑफ में कुछ प्रोडक्ट दे रहे थे, तो मैं ख़रीदने आ गई थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने येलो थैले में लिया हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी प्रोडक्ट ख़रीद रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ब्रांड आई हुई थी तो ब्रांड से ख़रीदना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और यहाँ पर एक मेकअप और डन हो चुका था, जो कि अब हम लोग का टाइम हो गया है घर जाने का, और ब्यूटी एक्सपो भी ख़त्म हो गया है। तो जाते जाते इस तरह से कुछ दुकानों पे भीड़ हो गई थी, जो स्टॉल लगे हुए थे मेकअप के, तो बहुत सारे लोग सामान खरीदने में लेट कर दिए थे। तो यहाँ पर जो ये थी, ये सेकंड ब्राइडल थी, ये मेरी फ्रेंड है, तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो आ गई है बाहर, तो हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़ा चाट फुल्की खाएँगे क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो हम लोग अभी मस्ती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही तक थी मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोग को मेरी ये वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।